Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति राज्य मंत्री व हस्तापुर विधायक दिनेश खटीक एक बार फिर से विवादों में हैं। इस बार विवाद का कारण बना है वह ऑडियो जो तेजी से वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में योगी सरकार के मंत्री दिनेश खटीक को यह धमकाते हुए सुना जा रहा है कि ऐसा इलाज करूंगा कि 7 पीढ़ी याद रखेंगे, जिंदगी खराब कर दूंगा, कभी किसी भुलावे में रह रहा हूं क्योंकि मामला व्यक्तिगत हो चला है। पीड़ित युवक को यह कहते हुए ऑडियो में सुना गया कि मंत्री जी आपका यह मामला व्यक्तिगत कैसे हो गया। पत्रकार प्रदीप मावी का यह भी कहना है कि उसके पास 32 साल का बैनामा है, जमीन की कीमत वर्तमान में करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई गई है। पहले सुनिए बीते दिवस की वह ऑडियो जो वायरल हो रही है। वहाँ तू दिन 7 पीढ़ी याद रखेगी तेरी। भाई साहब धमका तो दिया मुझे, तुझे ऐसा कर दूंगा मैं, तेरी जिंदगी खराब कर दूंगा मेरी, तेरी तू और बुढ़ाई में। हाँ फोन पे क्यों आप कैसे बोल रहे भाई साहब, समझ गया। तुझे ऐसा कर दूंगा, तुझे तुझे सोच रहा ना कि तू ये व्यक्तिगत मैं ले जाऊंगा, फिर अपने आप पे ध्यान कर लिया। आप व्यक्तिगत लेना क्यों चाह रहे हो, मुझे नहीं समझ रहा आपको, जो आप जो मुझे नकली नोट में जेल में बताना चाह रहे हो, मुझे क्यों लेना चाह रहे हो। मेरे बाप रहेंगे, पंच मैं बनूंगा, जेल में नौकरी, पंच मेरे बाप बनेंगे, मैं बनूंगा है तो लेके आओ। किन्हें लेके आऊँ, आप कहते हैं 12 बजे यहाँ लेके आना, घर तुम्हारे घर, तुम्हारे घर पे आते हुए मैं तो अब बैठा हूँ। लिया आप पहुंचो गांव में, कौन मना कर रहा आपसे, कोई भागना पीछे से कोई भागना जा रहा है निकल के। नहीं तो तू तो लू कह रहा मैं नहीं आने का, मैं नहीं आने का, क्यों नहीं आने का भाई, तू ही तो मैं वही रहूंगा, ठीक है नी जी। हाँ तो तू आज क्या बजे पहुंचू बता, आओ पहुंचो जिस टाइम से लग रहे हो। समय नहीं, तू समय बताना, समय तो तुमने दे रखा 12 बजे का, 12 बजे पहुंच रहा, चल मैं वहीं पहुंचो, क्या टाइम हो रहा भाई देखियो, पहुंचो ऐसा मेरे से निकलने में मुझे 1 घंटा लगेगा, जितना भी टाइम लगे, जितना भी लगे आपको, ठीक है ना जी। 1 घंटे में वहीं पहुंच रहा मैं, पहुंच जाओ बिल्कुल ठीक है, चलो भाई चलो वहीं चलो। आज फर्स्ट बाइट डॉट टीवी को शिकायतकर्ता पत्रकार प्रदीप मावी ने यह कहा। हेलो रवि शर्मा बोल रहा हूँ जी। जी पूरा मामला ये है सर, 1991 में ये दो बैनामे हुए थे, हाँ। गुलाब देवी और अनिल कुमार द्वारा, अच्छा। हमें जिसमें सुरेश कुमार और धीरज सिंह के नाम से दो बैनामे थे, 189 गज 189 गज के, दोनों में दोनों एक बड़ा दो के पार्टनर है रजिस्टर्ड बैनामे के हिसाब से, ठीक है सर जी। 1999 में हमने शादी कर दी सुरेश कुमार के लड़के से अपनी बहन की, 2005 में हमारी बहन मर गई या मार दी, वो अलग विषय, कोई दिक्कत किसी को नहीं हुई सर। 12 साल लगातार से 2017 के अक्टूबर में जैसे हमारे पापा जी एक्सपायर हो गए, कोई किसी के कोई प्रॉब्लम नहीं थी सर, कोई दिक्कत नहीं थी। हम दोनों हमारा पारिवारिक बंटवारा हो गया अपना 4 साल पहले, चाचा उसे जो है विवाद कुछ नहीं है, लेकिन वैसे बंटवारा भाई ये खेत तुम्हारा है ये तुम्हारा, उसका खाता तक सीमा मुकदमा हमने डाल रखा है उसमें अजीम साहब के यहाँ। ये जमीन जो थी हमने अपने को अपने कब्जे पर काबिज है, पक्का मकान बना रखा है, लेंटर का मकान है उनका, अभी उन्होंने 8-7 साल पहले फिर मकान बनाया था दोबारा से, वो भी अपनी ही जमीन में बनाया, 189 गज थी उसमें 4-5 फुट हमारे टोप बढ़ा कर उन्होंने बना लिया उसे। अच्छा बात यह की ये बैनामा जो नाम लिखा धीरज सिंह का वो ऐसे लिखवा दिया था यारी दोस्ती में, पैसे हमने लगाए थे, मगर तो पैसे लगाए थे तो उसका कुछ सबूत होगा। मैं दिनेश खटीक के पास भी गया था, इनके पास भी करीब 1 महीने का समय हो लिया लगभग, ये हस्तापुर थे, मुझे एक मतलब अपने मित्र हैं बीजेपी में जो है अजीत चौधरी वो लेकर गए थे, मैं इसकी प्रॉपर्टी पे जब से कब्जा कर देता हूँ। विधायक जी ने मेरे फेवर में फोन करा था, मैं इनके पास गया, इन्होंने मेरे फेवर में फोन करा कि जो भी सही है अपनी कलम बचा कर इसकी मदद कर दो। जब आप सिविल कोर्ट में चले गए सर, आप सिविल कोर्ट में भरोसा नहीं है, मुकदमा भी इन्होंने करा, अब इनको पंचायत करते घूम रहे हैं, 2 महीने से लगातार पंचायत करते घूम रहे थे। विधायक जी के करीब भी कुछ लोग हैं जो घुमाफिया टाइप के आदमी इस तरह के, मतलब वो उन्हें आदमी चाहिए, उन लोगों ने विधायक जी को बरगलाया, विधायक जी के पास लेकर इन लोगों को पहुंच गए, क्या लालच दिया कि विधायक जी भी जमीन के मामले में कोई कम तो है नहीं है, सब दुनिया जानती सारी, पूरा मेरठ भी जानता है पूरा आसपास भी जानता है, उन लोगों ने इनको क्या बताया कुछ मुझे कुछ नहीं पता। इन्होंने था कहे कि भाई तू पंचायत कर, भाई पंचायत होगी तेरे यहाँ और तू पंचायत में आएगा, मैं पंचायत में नहीं जाने का हूँ,
बिल्कुल थी, मुझे पता था इन लोगों ने प्लानिंग कर रखी कि हमारे पास घेर घोट है और इससे ये करवाना है, साइन करवाना है कि ठीक है मैं अपनी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी नहीं की है। कल भी यही बात हुई, रविवार में इनके पास में ये लोग आए, मुझे पता लगा मैं भी चला गया। अच्छा, वे निकल गए मैं चला गया, विधायक जी मुझ पर अकड़ तकड़, तू इस प्रॉपर्टी से लगड़ जा, तने बेनम्मा कर दिया, तू साल घटना हम देख लेंगे, बनिए की जमीन पर मतलब की गुजरे जमीन में बने कब्जा करेंगे क्या। मैंने कहा विधायक जी मैं भी गुजर ही हूँ और जमीन मेरी है, बनिए का जाट का गुजर का मतलब भी कुछ नहीं है, कागजों पर रहोगे ना आप। वहाँ इनके सारे जो ये पूरा गैंग था पूरा सब लोग बैठे हुए थे, दो तीन लोग ऐसे थे जो बीच के न्यूट्रल आदमी थे, उन्होंने विधायक जी को समझाया कि ये मामला जो है गलत है, वो दोनों पंचायत हो गई तेरे गांव में 12 बजे आ जाइए। मैंने कहा कोई बात नहीं, घर है मेरा, आने की जरूरत पड़ी मुझे, मैं तुम्हारे हूँ ही हूँ और पंचायत में मेरे चाचा साहब बैठेंगे। कल बुध था, 12 बजे की पंचायत थी, गाँव में कुछ लोग आए हुए होंगे बाहर के जो बुला रखे थे उन्होंने, ये गाँव में नहीं पहुंचे दूसरी वाली पार्टी, ये पहुंचे सीधे विधायक जी के पास। विधायक जी के पास जाकर 12:30 बज के मैं मेरठ आ गया था, इन्हें इनका फोन मेरे पास आता है, इनके प्यारों ने कहा कि माननीय मंत्री बात करेंगे, भाषा नमस्कार नमस्कार, हाँ भाई कहाँ है तू, ये लोग मेरे पास आए हुए हैं और तू यहाँ आ जाकर। मैंने कि मैं घर नहीं जा रहा भाई साहब, आपने 12 बजे की पंचायत रखी थी, आप गाँव जाओ कि मेरे पास यार 200 आदमी आ गए हैं, टाइम लग जाओ मुझे। मैंने कोई बात नहीं, फिर ये शुरू हुई, उन्होंने कहा मैं तेरे बारे में सब जानता हूँ, सारी चिट्ठी पता मैं तेरा। मैंने कहा मुझे भी आपकी चिट्ठी पता है सारी, आपको मेरी पता तो मुझे भी आपकी चिट्ठी पता है सारी। इसी बात पे सुनी नहीं इन्होंने, तुरंत इन्होंने 2 गाली देनी शुरू कर दी। जब गाली देनी शुरू करी इन्होंने, मैंने तुरंत जो है रिकॉर्डिंग चालू करी, गाली दे चुके थे, बाकी जो बात का सीन था वो सब रिकॉर्डेड है। मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूँ, मेरे फोन की फोरेंसिक जांच हो, उनके फोन में रिकॉर्डिंग है विधायक जी के, मैं अपनी रिकॉर्डिंग वो साबित करें। वो ये कह रहे हैं कि आधी रिकॉर्डिंग दी है, आधी रिकॉर्डिंग करी है मैंने, मुझे तो आपसे भरोसा नहीं था ना, मैं आपकी रिकॉर्डिंग क्यों करूंगा, मुझे तो जब आपने रिकॉर्डिंग करने का मौका दिया तब मैं रिकॉर्डिंग में आया, उससे पहले रिकॉर्डिंग नहीं आया मैं, तब सर ये सारी बात हुई। आपने तहरीर दी है? हाँ तहरीर दी सर मैंने, तहरीर मैंने मेल से SSP को भेजी है, मैं सर 1 महीने पहले बाई डाक भेज चुका, उस पर सर कोई कार्रवाई नहीं होने दी विधायक जी ने, 1 महीने पहले बाई पोस्ट मुख्यमंत्री के यहाँ से भी कार्रवाई हो गई, DGP साहब के यहाँ से भी हुई, ADG को भी दिया, बाई पोस्ट भेजी थी मैंने, SSP TM सबको भेजी थी, कोई एक्शन नहीं हुआ उस पर। उसके बाद मैंने सर कल फिर दोबारा मेल भेजा, व्हाट्सएप भी भेजा, ऑडियो भी और ये सब चीज, और बाई हैंड मैंने फिर ADG साहब को मैंने सर दिया कर दी, सर ने मेरी बात सुनी, सर ने मुझे कार्रवाई का आश्वासन दिया, जांच है CO ने जांच CO मानो दे रखी है, बाकी जैसे भी होगा सब। इस बारे में मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सजवाण ने यह जानकारी दी। थाना मवाना का एक प्रकरण है जिसमें कि 2 लोगों के द्वारा 1991 में एक जमीन संयुक्त रूप से खरीदी गई थी और उसके बाद उसमें से एक जो व्यक्ति है उसके द्वारा उस जमीन पे कब्जा अपना बरकरार रखा गया और संभवतः वहाँ पे एक मकान और 2 दुकानों का निर्माण वहाँ पे किया गया। जो दूसरा जो व्यक्ति है उसके द्वारा वहाँ पे कभी अपना जो कब्जा है वो नहीं किया गया था और उनकी मृत्यु के पश्चात उनके जो लड़के हैं उनको ये उनका नाम जब उस संपत्ति पे आया तो उनके द्वारा ये संपत्ति एक अधिवक्ता को वहाँ पे बेच दी गई और जब अधिवक्ता मौके पे कब्जा करने गए तो जो दूसरा पक्ष है उसके द्वारा उनको रोक दिया गया था। इस पूरे प्रकरण में जो पक्ष कब्जा लेने के लिए गया था उसकी तरफ से एक मुकदमा थाना मवाना पर पंजीकृत किया गया जिसमें उनके द्वारा मारपीट और गाली गलौज इस तरह का मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। इसके अलावा इसी प्रकरण में जो दोनों पक्ष हैं उनको बातचीत करने के लिए जो वहाँ पे स्थानीय विधायक उनके द्वारा उनको बुलाया गया था उसमें जो एक पक्ष है उसके द्वारा फोन की एक रिकॉर्डिंग प्रस्तुत की गई है जिसमें कि उनके द्वारा कहा गया कि जो दूसरा पक्ष है उसके द्वारा वहाँ फोन से धमकी दी गई थी। इस पूरे प्रकरण में जांच के लिए क्षेत्राधिकारी मवाना को दिया गया जो फोन कॉल रिकॉर्डिंग है वो आधी कटी हुई है उसमें पूरी रिकॉर्डिंग नहीं है तो वादी से इसमें पूरी रिकॉर्डिंग मांगी जा रही है कि वो पूर्ण रिकॉर्डिंग प्रस्तुत करें और उसके बाद इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाए। सर रिकॉर्डिंग किसकी अभी ये पता चल रहा है? इसमें जो स्थानीय एक तरफ से जो जमीन पर अपना दावा जो करते हैं उनकी रिकॉर्डिंग है और दूसरे पक्ष से जो दूसरा वहाँ पे स्थानीय विधायक और मंत्री है उनकी रिकॉर्डिंग है। उधर आजाद अधिकारी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने इस प्रकरण में यह कहा है। उत्तर प्रदेश के मंत्री दिनेश खट्टिक ने जिस प्रकार से पत्रकार प्रदीप कुमार को धमकी दी है और उन्हें देख लेने की बात कही है वह स्पष्टतया एक गंभीर आपराधिक कृत्य है। आजाद अधिकार सेना इस मामले में अविलंब FIR दर्ज कर मंत्री दिनेश खट्टिक के खिलाफ विधिक कार्रवाई कराए जाने की मांग करती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट। नमस्कार। कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से।
देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है।